हाय एवरीवन, मैं अनुभा आपका मेरे चैनल अनुभास किचन डायरीज़ में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी फ्राई की रेसिपी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक ऐसी किचन टिप शेयर कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। भिंडी को आप रोटी, पराठा, पूरी या सिंपल दाल राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे बना के लेके जाइए, ये भिंडी ख़राब नहीं होती है। और हमेशा की तरह यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लें। तो पहले देख लेते हैं इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आधा किलो भिंडी, इसे मैंने इस तरीके से काट ली है। एक टीस्पून जीरा लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मिर्ची मैंने ली हुई है, हरी मिर्ची, इसे लंबा लंबा स्लिट कर लिया है। यहाँ पर मैंने लगभग 11 से 12 हरी मिर्ची ली हुई है। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और तेल लिया है मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून, मैं तेल का इस्तेमाल करूँगी। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे इस कढ़ाई को अच्छी तरीके से गरम करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल भी मैं यहाँ पे साइड साइड से डालूंगी जिससे कि ये कढ़ाई एकदम नॉनस्टिक की तरह बन जाए। देखिए कलर चेंज हो गया कढ़ाई का, अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। मैं तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी जिससे कि ये भिंडी जो है अच्छी क्रंची बन सके। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून तेल डाला है। अब जीरा डाल के देख लेंगे कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तेल बस थोड़ा सा और गरम करेंगे हम। अब हम इसमें जीरा, मिर्ची और भिंडी को डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम थोड़ी देर इसे पकाएंगे जिससे कि ये स्टिक ना करे एक दूसरे के साथ। लगभग यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक के हाई फ्लेम में ही कुक किया है। ये देखिए थोड़ा सा क्रस्टर्ड हो गई है ये। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी और उसे वापस से कुक करूंगी हाई फ्लेम में ही। इस तरीके से एक लेयर में इसे इसे फैला देंगे और नमक जो है वो सबसे लास्ट में डालूंगी। अभी मैं ऐसे 5 मिनट और कुक करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट और कुक किया है। यहाँ पे देखिए कढ़ाई एकदम नॉनस्टिक है, कुछ चिपका नहीं है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी और 5 से 10 मिनट इसे कुक करूंगी जिससे कि यह अच्छी तरीके से क्रंची हो जाए। यहाँ पर मैंने लगभग 10 मिनट और कुक किया है। ये देखिए ये पक चुकी है। अब हम गैस बंद करके इसे सर्विंग डिश में डिश आउट करेंगे।
ये देखिए कढ़ाई एकदम क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं चिपका है। ये देखिए तैयार है भिंडी की सब्जी। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइए। इसी तरह सिंपल और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।